क्या आप खुश रहना चाहते हैं? एक भी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं होगा जो ये बोलेगा नहीं भैया मैं खुश नहीं रहना चाहता हूं। हर आदमी ये बोलेगा मैं खुश रहना चाहता हूं। तो भाई खुश रहना तो चाहते हैं, लेकिन खुश रहने के लिए करते क्या है? देखिए, खुश रहना और खुश रहने के लिए कुछ करना दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कुछ आदतें हैं जिनको छोड़नी भी पड़ती हैं। जब आप उनको त्याग देते हैं तो अपने आप खुशी आपकी तरफ आकर्षित होती है। तो ऐसी 5 बातें आपको आज मैं बताने जा रहा हूं, जिन पे अगर आप अमल करेंगे तो यकीन मानिए आप इसी वक्त अगले 5 मिनट के अंदर आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, आप इसी समय अच्छा महसूस करने लगेंगे। गिनती करते चलिए और सीखते चलिए। सबसे पहली चीज, आप हर बात पर ओवर रिएक्ट करना बंद कर दीजिए। आपको नहीं पता होता कि आप जो हैं किस बात पर, मतलब कोई भी बात हो रही है, कहीं भी हो रही है, आप सबसे पहला काम क्या करते हैं? ओवर रिएक्शन। आपको लगता है कि ये सारी चीजें, ये सारी बातें मेरे लिए हो रही हैं, मुझसे जुड़ी हुई है, मैं ही इसका कारण हूं, मेरे से ही ये बातें शुरू हो रही हैं और मुझ पे ही खत्म हो रही हैं। तो आप क्या करते हैं? ओवर रिएक्ट करते हैं। सारी बातें आपसे नहीं जुड़ी हुई हैं, दुनिया बहुत बड़ी हुई है, आप जैसे 7 अरब लोग हैं इस दुनिया में, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। तो आप ये भूल जाइए और हर बात पर रिएक्ट करना छोड़ दीजिए, जो बात इंपॉर्टेंट लगे उसी पर रिएक्ट कीजिए। नंबर 2, जिम्मेदारी लेना सीखिए। आप अगर कुछ कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी लीजिए, लेकिन दूसरों पर जिम्मेदारी थोपना वो बंद कर दीजिए। होता क्या है कि हम लोग जो है जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन दूसरों की कमियां निकालते हैं और उनके ऊपर डाल देते हैं कि इनकी वजह से नहीं कर पाया, मैं तो आसमान उतार लाता, तारे तोड़ लाता, लेकिन मम्मी है ना, जाने ही नहीं देती है। एक बार जाने देती है अगर मम्मी यहां से वहां तक, देखते मैं क्या कर जाता। पापा है ना, दिया ही नहीं यार, कभी सपोर्ट नहीं किया, कभी पैसे नहीं दिए। भाई जिम्मेदारी आप खुद उठाइए अपनी, और दूसरों के ऊपर उंगली दिखाते हैं तो आप भी ध्यान दीजिए 3 उंगलियां आपकी तरफ है। तो भाई अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठाइए, दूसरों के पास उनकी कमियां दिखाना गिनाना बंद कर दीजिए। दूसरी बात थी। तीसरी बात, आप बहुत सारा टाइम मतलब निगेटिव सोच के साथ बिताते हैं, नकारात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं, कई बार ऐसी मतलब जिसको बिचिंग कहते हैं, कोई मतलब नहीं है किसी से, क्या मतलब यार आपका कि जो है सामने वाला कैसा है, क्या कपड़े पहने हुए, क्यों पहने हुए। आप अपने दिन भर के तमाम घंटों में से कम 2 से 3 घंटे कोई भी मिल जाएगा उसके साथ खड़े होकर आप यही जो है डिस्कस करते हैं, सामने वाला या कोई पड़ोसी या उसका पड़ोसी या सड़क पे गुजरता हुआ कोई आदमी या रैंडम कोई भी, उन्हीं के बारे में क्रिटिसाइज करना, उनके बारे में बात करना, उनकी निगेटिविटी, ये क्या कर दिया, क्यों कर दिया, कैसे कर दिया। और अंत में कई बार महिलाएं कहती हैं अरे जी छोड़िए, हमको क्या लेना देना इन सब चीजों से, ये सब हमारे बस का नहीं, हम तो अपने काम में लगे हुए। सारी बात करने के बाद तो आप, तीसरी चीज है ये कि आप अगर निगेटिव सोच और निगेटिव बातें करना बंद कर देते हैं तो आपके पास 3-4 घंटे मिलेंगे आपको, आपने उसमें आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बातें कीजिए, आनंद लीजिए उसका। तो ये चीज, ये आदत भी छोड़नी है आपको, दूसरों के बारे में निगेटिव सोचना, निगेटिव बोलना, छोड़ दीजिए इसको। चौथी चीज, अपने आप को दंड देना। कुछ भी होता है हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने आप को, मतलब कुछ भी हुआ आप अपने आप को दंड देते हैं। यकीन मानिए बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो खुद के ऊपर सब कुछ, सारी जिम्मेदारी ओढ़ लेते हैं और अपने आप को परेशान करते रहते हैं, अपने आप को कोई भी चीज जब नहीं पूरी होती तो खुद को दंड देने लगते हैं। भैया दंड नहीं देना है अपने आप को। कोई भी चीज अगर पूरी ईमानदारी से आपने मेहनत की है, कोशिश की है, नहीं पूरी हुई है, कोई बात नहीं, छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, छोटे छोटे। आज सिर्फ मैं 2 वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन दोनों वीडियो रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर दूंगा, बहुत छोटा लक्ष्य। और उसके बदले में खुद को अवार्ड रिवॉर्ड भी दीजिए, खुद को ही रिवॉर्ड दीजिए, दूसरा नहीं आएगा कोई दोस्त, आपको खुद को ही प्रोत्साहित करना है, खुद को ही अपने आप को अपना जज्बा कायम करके रखना है, तो अपने आप को रिवॉर्ड देना है, दंड नहीं देना है।
नॉर्मली आदमी क्या करता है, आदमी को लगता है, हम लोगों को लगता है जब ये होता है कि हमारा समय खराब हो गया, समय बर्बाद कर दिया हमने, या किसी चीज में हमने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, वो चीज फ्रूटफुल नहीं हुई, तो आप थोड़ा थोड़ा आपके अंदर डिप्रेशन आने लगता है। फिर आप क्या करते हैं, आपने स्मोकिंग के लिए या फिर किसी और चीज के लिए आप इधर उधर जाते हैं, वो अपने आप को दंड देना ही है, उससे कोई काम नहीं बनने वाला है। उसकी जगह छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और उसको हासिल कीजिए। उसकी जगह छोटा सा लक्ष्य बनाइए कि चले यार 1 किलोमीटर दौड़ के आते हैं। अगर वो हासिल कर लिया आपने तो पीठ थपथपाइए अपनी कि चले यार 1 किलोमीटर से शुरुआत तो हुई। ये चौथी बात थी। और पांचवी आदत, देखिए ये कायदे की बात, फायदे की बात, और ये आदत लगानी है, छोड़ना इसमें कुछ नहीं है, वो है मुस्कुराइए। आप अभी इसी वक्त अगर ये वीडियो देख रहे हैं, जिस भी कंडीशन में है, जहां भी है, जैसे भी है, अगर आप मुस्कुरा सकते हैं तो प्लीज मुस्कुराइए, एक बार मुस्कुराइए। अगर आप मुस्कुराते हैं तो आप देखिए कैसे अपने आप, आपके अंदर एक असीम खुशी, एक एनर्जी आपके अंदर, एक स्पंदन आपके अंदर निकलता है, उत्पन्न होता है, और वो आपको बहुत ज्यादा सुख देता है। तो ये पांचवी चीज है, आपको अपनी मुस्कुराने की आदत को अपने साथ ढाल लेना है। इसमें ही आपके लिए बहुत जरूरी है कि दोस्तों के साथ समय बिताइए, उसमें आपको मुस्कुराहट आएगी। किसी बच्चे के साथ समय बिताइए, उसमें आपको मुस्कुराहट आएगी। नए दोस्त बनाइए, उसमें आपको मुस्कुराहट आएगी। कुछ अच्छा किसी और के लिए करके जाइए, उसमें आपको मुस्कुराहट आएगी। कोई ऐसा अजनबी जो आपसे जिंदगी में शायद ही दोबारा मिले, पलट कर उसके लिए कुछ दे के जाइए, उससे उसके लिए कुछ करके जाइए, उसमें आपको मुस्कुराहट मिलेगी। तो आज बस इतना ही, लेकिन करके देखिएगा और फिर कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या वाकई कुछ बदला। प्रणाम।